उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई की है, जहां 2000 लीटर शराब बनाने का केमिकल बरामद किया है और चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद केमिकल की कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद केमिकल से भारी मात्रा में अवैध शराब तैयार की जा सकती है। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर इस केमिकल से शराब बनाकर उसे आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। ये मादक द्रव्यों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, उसी में सूचना पर जो है आबकारी भदोही की टीम, आबकारी बनारस की टीम व थाना उराई की पुलिस द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। ये बारीपुर गांव है, वहाँ पे जो है बबलू उपाध्याय का अर्धनिर्मित घर है, वहाँ से ये करीब 2000 लीटर जो है इथाइल एल्कोहल की बरामदगी की गई है। अभी सप्लाई की जांच की जा रही है कि कहां कहां पे सप्लाई की जानी है। जो तीन मुख्य लोग थे वो मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों की पता लगाया जा रहा है, विस्तृत जांच की जा रही है।